कहते हैं ना, पैसा है तो ऐसा है। आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है, हालांकि ये कुछ लोगों की संकुचित सोच है। फिर भी पैसे तो हर रोज़ की ज़िंदगी में चाहिए ही होता है। ये वीडियो में मैं आपको दुनिया की वो 10 इंसान के बारे में बताऊंगा जिनके पास इतना पैसा है कि गिनते गिनते इंसान ख़त्म होता है, लेकिन इनका पैसा ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। नंबर 10, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के बारे में कौन नहीं जानता है, वे भारत की शान और सबसे अमीर रईस है, लेकिन दुनिया की सबसे अमीर रईस में अभी नंबर 10 की पोजीशन में है। वैसे तो मुकेश अंबानी कभी इस लिस्ट के टॉप 5 तक पहुंच गए थे। मुकेश धीरूभाई अंबानी के जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष, प्रबंध निर्देशक और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक है। ये भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून कंपनी है। उनकी संपत्ति का मूल्य फोर्स के मुताबिक 81.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, अर्थात 6000 अरब रुपए है। ये कुल संपत्ति मुकेश अंबानी को दुनिया का 10वें सबसे अमीर आदमी बनाती है। नंबर 9, सर्गेई ब्रिन। आज गूगल पर किसी भी विषय की जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती है। वही गूगल सर्च इंजन को बनाने वाले इंसान का नाम सर्गेई ब्रिन है। वेल, सर्गेई ब्रिन वो अकेले इंसान नहीं थे वो गूगल बनाने का। उनके साथ थे लैरी पेज। जैसे कि मैंने बताया, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन दोनों ने मिलकर गूगल को बनाया था। वे दोनों अक्सर ही गूगल गाइज के नाम से जाने जाते हैं। सर्गेई ब्रिन का जन्म 21 अगस्त 1973 को रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था। सर्गेई ब्रिन गूगल की को फाउंडर है। आज उनकी नेटवर्थ 86 बिलियन डॉलर, करीब 6400 अरब रुपए है। ये नेटवर्थ सर्गेई ब्रिन को दुनिया का 9वें सबसे अमीर इंसान बनाती है। नंबर 8, लैरी एलिसन। लैरी एलिसन का पूरा नाम लॉरेंस जोसेफ एलिसन है। इनका जन्म 17 अगस्त 1944 में हुआ था। वह एक अमेरिकी व्यापारी, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति है, जो ओरेकल कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO है। आज उनकी नेटवर्थ 88.1 बिलियन डॉलर, करीब 6600 अरब रुपए है। ये कुल संपत्ति लैरी एलिसन को दुनिया का 8वां सबसे अमीर इंसान बनाती है। नंबर 7, लैरी पेज। दोस्तों, हमें आजकल कुछ भी ढूंढना होता है हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, और इंटरनेट पे सबसे प्रसिद्ध साइट गूगल पे अपने सवालों का जवाब ढूंढते हैं। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है, और इसे बनाने वाला इंसान यानी कि इसके फाउंडर है लैरी पेज। लैरी ने अपने दोस्त सर्गेई ब्रिन के साथ मिलकर 1998 में गूगल की लॉन्च किया था। लैरी पेज का जन्म 26 मार्च 1973 को मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अभी फोर्स की मुताबिक इनके नेटवर्थ 88.6 बिलियन, अर्थात करीब 6645 अरब रुपए हैं। ये संपत्ति लैरी पेज को दुनिया का 7वां सबसे अमीर इंसान बनाती है। नंबर 6, वॉरेन बफेट। इनका जन्म अगस्त 30, 1930 को अमेरिका के ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। वे अमेरिकी इन्वेस्टर, बिजनेसमैन और परोपकारी व्यक्ति है। उन्हें शेयर स्टॉक मार्केट दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर में से एक माना जाता है, और वे वर्कशेयर हाथवे कंपनी के CEO और सबसे बड़े शेयर होल्डर है। आज उनकी कुल संपत्ति 91.8 बिलियन डॉलर, अर्थात करीब 6800 अरब रुपए है। ये संपत्ति वॉरेन बफेट को दुनिया का 6वां सबसे अमीर इंसान बनाती है। नंबर 5, मार्क जुकरबर्ग। मार्क इलियट जुकरबर्ग
के जन्म मई 14, 1984 में हुआ था। वे एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति हैं। वे फेसबुक के संस्थापक के लिए जाने जाते हैं और इसके अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनका नेटवर्थ आज के तारीख में 94.3 बिलियन डॉलर अर्थात 7,000 अरब भारतीय रुपये है। ये संपत्ति मार्क जकरबर्ग को दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान बनाती है। नंबर 4, बिल गेट्स। बिल गेट्स के जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सहसंस्थापक तथा अध्यक्ष है। गेट्स ने 1975 में बचपन के दोस्त पाल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना की, जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन गई। 1995 से 2017 तक करीब 22 साल तक उन्होंने दुनिया के सबसे रईस के नंबर 1 पोजीशन में फोर्ब्स के खिताब में अपने नाम किया था। इनकी अभी कुल संपत्ति 123.2 बिलियन डॉलर अर्थात 9,200 अरब रुपए है। ये संपत्ति बिल गेट्स को दुनिया का चौथे सबसे अमीर इंसान बनाती है। नंबर 3, बर्नार्ड अर्नाड और फैमिली। बर्नार्ड अर्नाड के जन्म 5 मार्च 1945 में हुआ था। वह एक फ्रांसीसी अरबपति व्यापारी और कला संग्राहक है। वे LVMH मोस्ट हनेसी के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी है। दुनिया के परम स्वाद निर्माताओं में से एक बर्नार्ड अर्नाड कुल 70 ब्रांडों के एक साम्राज्य की रेखदेख करते हैं, जिनमें से लुइस विटन और सेपोरा शामिल है। इनकी नेटवर्थ 155 बिलियन डॉलर अर्थात करीब 11,600 अरब भारतीय रुपए है। ये संपत्ति बर्नार्ड अर्नाड को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान बनाती है। नंबर 2, एलन मस्क। एलन मस्क के जन्म 28 जून 1971 में हुआ था। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स की CEO है एलन मस्क। मस्क की नेटवर्थ 161 बिलियन डॉलर अर्थात करीब 12,100 अरब रुपए है। ये संभवतः दुनिया में सबसे तेजी कमाई करने वाले इंसान है। मस्क ने पिछले एक साल के दौरान हर घंटे 1.73 करोड़ डॉलर यानी करीब 127 करोड़ रुपए कमाए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि एलन मस्क पिछले ही महीने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले नंबर पे थे। नंबर 1, जेफ बेजोस। बेजोस के जन्म 12 जनवरी 1964 में हुआ था। वे एक अमेरिकी इंटरनेट उद्यमी, उद्योगपति, मीडिया मालिक और निवेशक हैं। उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न के संस्थापक CEO और अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। बेजोस 2017 के बाद से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन में रहे हैं और उनकी शुद्ध संपत्ति के बाद आधुनिक इतिहास में सबसे अमीर आदमी का नाम दिया है। आज बेजोस की कुल संपत्ति 181.5 बिलियन डॉलर अर्थात करीब 13,600 अरब रुपए है और ये कुल संपत्ति जेफ बेजोस को दुनिया का नंबर 1 सबसे अमीर इंसान बनाती है। ये तो थे दुनिया का 10 सबसे अमीर इंसान। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे बिना कहीं मत जाना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।